हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हमारे कैंडिडेट काजी निजामुद्दीन जी, कांग्रेस के हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ दिन पहले लोकसभा के भाषण में मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार दो हिंदुस्तान बना रही है, एक हिंदुस्तान अरबपतियों का, प्राइवेट हवाई जहाज का, मर्सिडीज गाड़ी का, चुने हुए लोगों का हिंदुस्तान, उसमें 5, 10, 15 अरबपति हैं, और दूसरा हिंदुस्तान करोड़ों लोगों का, गरीब बेरोजगार हिंदुस्तान। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, आप इस बात से सहमत हो, मानते हो इस बात को? अमीर हिंदुस्तान में जो भी आपको चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, पोर्ट चाहिए, कोई भी बिजनेस चाहिए, आप ले सकते हो, मगर अरबपति होना पड़ेगा। अगर अरबपति नहीं हो तो उस हिंदुस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं है। भाषण में मैंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने देश को बांटने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया, और मैंने चीन के बारे में बोला कि चीन की सेना हिंदुस्तान की जमीन के अंदर आज बैठी है, मगर नरेंद्र मोदी उसके बारे में कुछ नहीं कहते। लंबा भाषण दिया नरेंद्र मोदी ने, भाषण में कांग्रेस पार्टी के बारे में उन्होंने गलत बोला, मेरे बारे में तो बोलते ही हैं, पूरा का पूरा भाषण उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में अपना समय दे दिया। कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, देखा आपने? उसमें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, राहुल सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, उस लाइन का मतलब आप समझे? मैं बताता हूं, उस लाइन का मतलब यह है कि राहुल पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता। ये जो है ये मेरी नहीं सुनता, इस पे मैं जितना भी दबाव डाल दूं ये पीछे नहीं हटता, सुनता नहीं है। मैं क्यों सुनूं? नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके हिंदुस्तान के जो छोटे व्यापारी हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उन सबको बर्बाद कर दिया। आपको लाइन में खड़ा किया, नोटबंदी के समय आप खड़े थे लाइन में, आपको उस लाइन में कोई अरबपति दिखा? एक खड़ा था,
अच्छा भाइयों बहनों बताओ, काला धन गायब हो गया? खत्म हो गया काला धन? उसके बाद गलत जीएसटी व्हाइट हो गया, व्हाइट हो गया और बीजेपी को मिल गया। तो उसके बाद गलत जीएसटी, और आज हालत क्या है? सिर्फ उत्तराखंड नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी आप देखो बेरोजगारी ही बेरोजगारी आपको दिखाई देगी। हिंदुस्तान आज अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। भाई और बहनों, देश को रोजगार कौन देता है? अरबपति नहीं देते हैं, किसान देता है, छोटा व्यापारी देता है, छोटा दुकानदार देता है, छोटा बिजनेस वाला देता है। इन सब को नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि आज उत्तराखंड का युवा कहीं भी देख ले, किसी भी प्रदेश में चला जाए, उसे हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिल सकता। कोरोना आया, बाकी देशों में नेताओं ने कहा बहुत भयंकर बीमारी है, ध्यान से रहना। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाई और बहनों थाली बजाओ, और जब थाली नहीं बजी तो कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। ये नरेंद्र मोदी की सच्चाई है। यहां पे उत्तराखंड, जब आपके घर में माता पिता को, बच्चों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, वेंटिलेटर की जरूरत थी, तो आपकी सरकार कहां थी? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने मजदूरों के लिए बस खड़ी कर गलती की। उन्होंने रेलवे टिकट नहीं दिया, बस नहीं दी, और जब कांग्रेस पार्टी पूरा दम लगाकर मजदूरों की मदद करने की कोशिश करती है, वो हमारा काम नहीं था, हम सरकार में नहीं थे, मगर हमने पूरी की पूरी मदद की। जब हमने बसें तैयार की, यूपी की सरकार कहती है कि ये बस नहीं इस्तेमाल होने देंगे, और फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने गलत काम किया। आप अपना काम नहीं करते हो, आपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा, छीन लिया, जो था वो भी छीन लिया। भाइयों और बहनों समझिए, यूपीए ने 10 साल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। मनरेगा, भोजन का अधिकार, जमीनी अधिकरण बिल के माध्यम से हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को वापस गरीबी में डाल दिया, 23 करोड़ लोगों को फिर से गरीबी में डाल दिया। भाइयों और बहनों आज के हिंदुस्तान में 100 लोगों के पास, इस आंकड़े को आप सुनिए, 100 लोगों के पास इतना धन है जितना हिंदुस्तान की 40% आबादी के पास है। जो 100 लोगों के हाथ में है वो 40% हिंदुस्तान की आबादी के हाथ में है। बात समझिए, पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक काम किया है, गरीबों से पैसा छीना, छोटे व्यापारियों से, मिडिल साइज और छोटे बिजनेस वालों से पैसा छीना और उनके अरबपति मित्रों को दिलवाया, यही काम किया है उन्होंने। अब
अब देखिए, तो पूरा का पूरा धन आपके जेब में से निकालकर अरबपतियों को दिया। अब दूसरी बात देखिए, दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में हमारे समय पेट्रोल का दाम, तेल का दाम $140 प्रति बैरल हुआ करता था। भाइयों और बहनों, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ है, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है। आपके जेब में से पैसा निकाला जा रहा है। जब आप पेट्रोल पंप में जाते हो, आपके जेब में से पैसा निकलता है और सीधा हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में चला जाता है, डायरेक्ट ट्रांसफर। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। बीजेपी ने पिछले 5 साल में कितने चीफ मिनिस्टर बदले? क्यों? ये मतलब 3 चीफ मिनिस्टर क्यों बदले इन्होंने? क्योंकि इनके चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट थे, इनके चीफ मिनिस्टरों ने चोरी की, इसीलिए इन्होंने 3 चीफ मिनिस्टर को बदला। अच्छा ठीक है, देखिए बीजेपी में चोरों की लाइन लगी हुई है, एक को बदला, उसको चोरी करने दी, जब उसने चोरी कर दी उन्होंने कहा अच्छा भाई परे हो, दूसरे को बुलाया, दूसरे से कहे अब तू चोरी कर, और फिर जब उसने चोरी की उसको हटाया, कहा तू हट जा अब तू चोरी कर। कांग्रेस पार्टी आपकी सरकार लाएगी, किसी एक राजा की सरकार नहीं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं है, दिल्ली में राजा बैठा हुआ है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें गरीब जनता की, किसानों की, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों की और युवाओं की रोजगार दिलवाने वाली सरकार चाहिए। यहां पे गन्ना किसान है, आपकी क्या मदद की मोदी सरकार ने मुझे बताओ? 3 कानून लाए, काले कानून लाए, जैसे इनके चीफ मिनिस्टरों ने चोरी की, वैसे ही 3 कानून के माध्यम से वो आपसे चोरी करना चाहते थे, जो आपका है वो छीनना चाहते थे। किसने रोका? हिंदुस्तान के किसानों ने और कांग्रेस पार्टी ने। टक्कर मोदी की कांग्रेस पार्टी देती है। उन्होंने सही कहा, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की नहीं सुनता। वो नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि सबको उनसे डर लगता है, सोचते हैं कि ईडी सीबीआई से मैं किसी को भी दबा दूं। मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता, उल्टा मुझे हंसी आती है। उनके अहंकार को देखकर मुझे हंसी आती है। देश से कहते हैं पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले कहते हैं कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, छोटे व्यापारियों ने 70 साल में कुछ नहीं किया, वो बस चुप बैठे थे। ये सड़कें जो बनी, ये जादू से बन गई,
ये फैक्ट्रियां जो बनी ये जादू से बन गई, ये जो रेलवे ट्रेन चलती है ये 70 साल नहीं चली है, नरेंद्र मोदी के आने के बाद चली है। देखो कौन सी दुनिया में रहते हैं आपके प्रधानमंत्री। कोरोना आता है कहते हैं ताली बजाओ, लाइट जलाओ, फिर देश से कहते हैं तुमने कुछ नहीं किया, 70 साल तुम्हारे माता पिता ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे दादा ने कुछ नहीं किया। जब तक नरेंद्र मोदी आया उस दिन तक हिंदुस्तान सोया हुआ था, नरेंद्र मोदी के आने के बाद हिंदुस्तान जाग गया। तो हमने आपसे मैनिफेस्टो में अलग अलग वायदे किए हैं, मगर हमारे मेन वायदे चार हैं, चार धाम चार काम। पहला काम, हम 2 करोड़ युवाओं को साल में रोजगार नहीं दे सकते, मैं आपको सीधा बोल देता हूं ये नहीं कर सकते, ये झूठ है। मगर 4 लाख युवाओं को उत्तराखंड में हम रोजगार दे सकते हैं। कैसे देंगे? किसान की मदद करकर, छोटे व्यापारी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों की मदद करकर, युवाओं को ट्रेनिंग देकर, और जो सरकारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उनको भरकर 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। हम काम वो आपको करके दिखा देंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए से कम का मिलेगा, 500 रुपए से ज्यादा का नहीं मिलेगा। हम एक नया आइडिया लाए हैं। मैंने तो हिंदुस्तान की बात की, मैंने कहा कि एक अमीर हिंदुस्तान बन रहा है अरबपतियों का, और दूसरा गरीबों का, कमजोर लोगों का, करोड़ों लोगों का हिंदुस्तान। हम नई योजना लाए हैं, उसका नाम न्याय योजना है। न्याय योजना एक गारंटी है, 5 लाख परिवारों को, उत्तराखंड के 5 लाख गरीब परिवारों को कांग्रेस पार्टी हर साल 40,000 रुपए सीधा बैंक अकाउंट में डाल के दिखा देगी। हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं, और इसीलिए न्याय योजना के माध्यम से हम उत्तराखंड में गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देंगे। 5 लाख परिवारों को हर साल हम 40,000 रुपए बैंक अकाउंट में दिलवा देंगे। और आखिरी वायदा, कोरोना के समय आपको चारों ओर दौड़ना पड़ा, कहीं गैस सिलेंडर ढूंढने के लिए, कहीं अस्पताल, कहीं दवाइयां, ऐसा उत्तराखंड हमें नहीं चाहिए। हमारा चौथा वायदा, स्वास्थ्य को हम आपके दरवाजे तक ले आएंगे। अगर आपको दवाइयों की जरूरत होगी, एम्बुलेंस की जरूरत होगी, इलाज की जरूरत होगी, उत्तराखंड की सरकार एम्बुलेंस और दवाइयां और डॉक्टर आपके दरवाजे तक डायरेक्ट पहुंचा देगी। और जहां उत्तराखंड में गाड़ी नहीं पहुंच सकती, वहां मोटरसाइकिल की एम्बुलेंस आप तक पहुंच जाएगी, और जहां मोटरसाइकिल नहीं पहुंच सकती, वहां ड्रोन के माध्यम से हम दवाई आपके दरवाजे तक पहुंचा देंगे। ये हमारे वायदे हैं, मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें हमारे और भी वायदे हैं। मैनिफेस्टो हमने आपसे बातचीत कर आपकी आवाज को सुनकर बनाया है, उसमें आपके लिए अलग अलग योजनाएं हैं,
उत्तराखंड को बदलने की योजनाएं हैं, टूरिज्म को आगे बढ़ाने की योजनाएं हैं। एक बार फिर आप दूर दूर से आए, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी। काजी जी, आपने मुझे इधर का स्वादिष्ट गुड़ खिलाया। मैं चाहता था गन्ना किसानों की तरफ से है ये आप गन्ना किसानों ने मुझे दिया। मैं चाहता था कि सिर्फ स्टेज पे मैं ना दूं, मैं सोच रहा था कि मैं आपको भी थोड़ा सा गुड़ खिला दूं। तो ये जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो ये हम काम पूरा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आमतौर से मैं ये नहीं करता हूं, मगर काजी जी जो हैं इनको मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं कि बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप इनको जिताओगे, ये मुझे मालूम है, आप इनको जिताओगे। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि काजी निजामुद्दीन जो है ईमानदार नेता है और ये आपका नेता है। आपकी जो आवाज है, मैं आपको बताता हूं, बात सुनिए, आपकी जो आवाज है इसके दिल में जाती है और फिर इसके मुंह से निकलती है। तो इसको आप जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।